सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन स्कूल के टीचर सरकार की इन कोशिशों पर पलीता लगाने से बाज नहीं आते हैं। मामला गोरखपुर के पिपरौली क्षेत्र के डेरफा प्राथमिक स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल अपने छोटे बच्चे को स्कूल में लाती है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी फिर स्कूली बच्चों की होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल का बच्चा सोया हुआ है और दो स्कूली छात्राएं उसकी पंखे से हवा कर रही हैं। जब इस मामले की सूचना बीएसए को दी गई तो उन्होंने जांच की बात कही। देखिए, आप अभी संज्ञान में आपके द्वारा लाया जा रहा है, इससे पहले मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मैं अभी खंड शिक्षा अधिकारी को मैं बताऊंगा कि वो 9 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करके और रिपोर्ट दें। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जब इस मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो वो घबराकर पत्रकारों पर बरस पड़ी। गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।